अधिकार है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो प्रियंका जी अपनी बात रखेंगी और उसके बाद छात्र बात रखेंगे और उसके बाद हम इन चीजों पर चर्चा करेंगे। प्रियंका, मेरा नाम प्रियंका विश्वकर्मा है, मैं लखनऊ से आई हुई हूँ। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए अपने अपने स्तर सब लोग रिकॉर्ड करिए। अपने प्रिय भाई और बहनों के हमेशा साथ रहूंगी जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। बहुत सही। हम सुबह से निकले हुए हैं बिना खाए और पिए, क्योंकि हमने 2018 में NCERT का जो नियम बना था उस नियम को देखकर हमने BED किया था। और अब वो सरकार जब हमारी तैयारी हो गई, हमने UPSC का एग्जाम भी क्वालिफाई किया, तो हमें हटा दी। ये कौन सा कानून है, ये कैसी सरकार है जो नियम भी बनाती है और हमें हटाती भी है। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि अध्यादेश ला करके हम सभी को PIT में शामिल करे, नहीं तो हमारे एक एक BED भाइयों के माता पिता भाई बहन ये सरकार को वोट नहीं देगी। यदि अध्यादेश नहीं आएगा तो मोदी की सरकार नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों की पीड़ा जो हो रही है, हम लोगों को जो दिक्कतें हम लोग जो झेल रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद क्या समझे, हम जहाँ से पढ़ाई शुरू किए थे हम वहीं आगे फिर खड़े हो गए हैं। बताइए सरकार क्या हम लोग की पीड़ा को समझ रही है? आज जिन कोचिंग संस्था पे हम कोचिंग ऑनलाइन खरीद कर कोचिंग करते थे, कि हम आपके साथ रहेंगे चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आज हम रोड पे हैं और वो AC के कमरे में बैठे हैं। हमारे भगवान सत्यम पाठक सर है जो हम सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हमेशा प्रथम पादक के चरणों में हमारा भक्त अपना अभिवादन रहेगा। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने अपने दर्द रखे। आज जो मोमबत्ती मार्च रखा गया, शायद आप लोगों को जानकारी होगा, एक छात्रा जो सोनभद्र में और एक दो छात्र और भी हैं जिन्होंने सुसाइड किया। और क्योंकि मेरिट साइड में भी है, कई चीजें जो होती नॉन फैक्ट में नहीं होती, हम सबके आवाज अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा कि हमें कोई शिकायत मिले और बाद में हम लोग कार्यक्रम बीच में स्थगित कर दें। लाइट ऑन करिए भाई, सब लोग लाइट ऑन करिए।